देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। भोजपुरी भाषा संस्कृति व साहित्य का धरोहर भोजीपुर डॉट लाइव ओटीटी डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां मिली भोजपुरी फिल्मों के लिखास घर घर बही लोक संगीत के बाद बहुत जल्द आवत बा भोजीपुर डॉट लाइव। जा रे सुगना जा रे कही दे सजनवा से लागी नाही छूटे रामा चाहे जिंदा जा कहीं आवारा सजनी पूछ ला पवनवा से लागी नाही छूटे रामा चाहे जिया जाए। चंद्रमा बिठा के जाला मोरा संग चल के तड़पी ले रात दिन कोना रे जमनवा से लागी नाही छूटे रामा चाहे जिन जा 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 रे सुगना जा रे कही दे सजन लागी नाही छूटे रामा चाहे जिया जाए। बिरहा के दगवा से भर गई छतिया बिरहा के दगवा से भर गई छतिया लाल से पियर भइल हमारी सुरतिया तोहरी सुरतिया नाही निक से लमनवा से लागी नाही छूटे रामा चाहे जिया जाए। भैली आवारा सजनी पूछ ला पवनवा से लागी नाही छूटे रामा चाहे जिया जाए। असुवा में डूब गईल सारी जिंदगनिया भुइया गिरेला कजरा बही के नयनवा से लागी नाही छूटे रामा चाहे जिया जा 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 रे सुगना जा रे कही दे सजन लागी नाही छूटे रामा चाहे जी। आप देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। वाराणसी व्यापार मंडल के तत्वाधान में आज राजेंद्र घाट पर नाविक परिवारों के लिए 500 खाद्यान्न पैकेट का वितरण किया गया।
अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गर द्वारा आयोजित इस वितरण कार्यक्रम के मुख्य मेहमान एडीएम सिटी गुलाब चंद, पुलिस आयुक्त काशी जोन विकास चंद्र त्रिपाठी, सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध अवधेश कुमार पांडे। राजेंद्र घाट पर नाविक परिवारों को खाद्यान्न के पैकेट बांटे गए। कोविड 19 के इस दौर में क्योंकि नाविक परिवारजन की आजीविका के स्रोत बंद हो चुके हैं और इन लोगों की परेशानियों को देखते हुए वाराणसी व्यापार मंच की तरफ से यह मदद की गई। डिजिटल न्यूज इंडिया टुडे के लिए वाराणसी से बच्चा गुप्ता की रिपोर्ट। बग्गर जी, सोमनाथ जायसवाल जी, सोहनलाल चौरसिया जी, महिला व्यापार मंडल की खुशी की। आज हम लोगों ने प्रशासन के अनुरोध पर राजेंद्र प्रसाद घाट पर 500 नाविकों को राशन वितरण का कार्य किया है, जिसमें मुख्य रूप से एडीएम सिटी और एसवी सिटी साहब थे और ये सारी व्यवस्था हमारे इस सर्किल के सीओ अवधेश पांडे जी ने किया, जिससे हम लोगों के व्यापारियों को एक हर्ष है कि हम लोगों ने कुछ पुण्य का काम भी किया। कितने लोगों को बांटा गया? 500 लोगों को। तो आगे क्या आपका इरादा है, क्या आगे अभी हम लोग और चिन्हित कर रहे हैं कि कहाँ पे जरूरत है वहाँ पे और व्यवस्था करके इसको बांटा जाए। आप देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के पूरे हुए 7 साल, अब भारत दूसरे देशों की सोच और उनके दबाव में नहीं, अपने संकल्प से चलता है, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर नहीं करता समझौता, प्रधानमंत्री ने कहा। पिछले 7 सालों में कई पुराने मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया गया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने की देश के किसानों की तारीफ, कहा महामारी में भी हमारे किसानों ने किया रिकॉर्ड उत्पादन, देश ने भी रिकॉर्ड फसल खरीदी, खाद्यान्न उत्पादन की वजह से ही देश हर देशवासी को प्रदान कर पा रहा है संबल। पीएम मोदी ने देशवासियों की संकल्प शक्ति और स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के सेवा भाव और समर्पण को किया सलाम। कोविड की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के साथ ही कई राज्यों ने शुरू की अनलॉक की प्रक्रिया। दिल्ली में कोरोना मामले में गिरावट को देखते हुए इंडस्ट्रियल एरिया में चार दीवारी या परिसर में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट को चलाने की छूट। हिमाचल में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू। यूपी के 55 जिलों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक हफ्ते में 5 दिन खुलेगी दुकानें। कोविड के खिलाफ देश की जंग जारी। कोविड के दैनिक नए मामले घटकर 1,65,000 के स्तर पर, पिछले 46 दिनों में दैनिक नए मामले सबसे कम, रिकवरी की दर बढ़कर 91.25% हुई, टीकाकरण का काम भी तेजी से जारी। माली में तख्तापलट के बाद इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स ने सदस्यता से किया निलंबित, हालांकि कोई नया प्रतिबंध नहीं लगा। पूजा रानी ने दुबई में दूसरा एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीता। पूजा रानी ने महिलाओं के 75 किलोग्राम के फाइनल में उज्बेकिस्तान की मावलुदा मोलोनोवा को हराया। मैरी कॉम ने रजत पदक जीता। 15 पदक के साथ भारत का अब तक का इस खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। ये थी न्यूज अपडेट की खास खबरें। लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। वंदे मातरम।
भोजपुरी भाषा संस्कृति व साहित्य का धरोहर भोजीपुर डॉट लाइव OTT डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां मिली भोजपुरी फिल्मों की मिठास घर घर बही लोक संगीत के बयान बहुत जल्द आवत बा भोजीपुर डॉट लाइव। सही रास्ता दिखाए, वो नहीं जो अनदेखी अनसुनी हो। खबर वो जो हकायक पर मौजूद हो। खबर वो जो निकल कर सामने आए, वो नहीं जो सनसनी फैलाए। वो नहीं जो आपकी सोच गुमराह कर दे। हर छोटी बड़ी खबर पर नजर, इसका ताल्लुक आपसे। वो नहीं जो महज बड़े बोल हो। खबर वो जो शौर को उजागर करे। देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज़।